प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जिला अध्यक्ष राम मिलन यादव और महानगर अध्यक्ष तहर हुसैन ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि 9 दिसंबर को लखनऊ में पार्टी के तत्वावधान में एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों, नौजवानों सहित प्रदेश में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष राम मिलन यादव एवं महानगर अध्यक्ष तहर हुसैन ने कहा, तारीख को लखनऊ रैली है, उसी रैली के संदर्भ में हम लोग चेतावनी स्वरूप एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। किस चीज को लेकर है रैली? विभिन्न समस्याओं के लिए है, जो जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए रैली की जा रही है, और उद्देश्य तो रैली का यही है। सबसे हाँ उसमें बहुजन क्रांति मोर्चा का भी साथ में हम लोग के है, और किसान को उसके धान का क्रय केंद्र खुलना चाहिए, गन्ने का बकाया मूल्य देना चाहिए, शिक्षा नीति पे परिवर्तन करना चाहिए, शिक्षा समान होनी चाहिए लेकिन वो केवल कहने के लिए समान है, सत्यता तो कुछ और है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के जो है आंदोलन 9 तारीख को हम लोग लखनऊ में रमा देवी पार्क में जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। 9 दिसंबर को रमा देवी पार्क में प्रगतिशील समाजवादी लोहिया एवं बहुजन क्रांति की संयुक्त एक रैली होने जा रही है, जिसमें लगभग 10 लाख लोग इकट्ठा होंगे। इस देश के अंदर समाजवादियों की सरकार बनेगी, और समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है, जिसके नेता हमारे माननीय शिवपाल यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सभी धर्मों को, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर के एक नया भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें सुख, शांति, अमन, चैन कायम रहे।